कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के विकास कार्यों की एसडीएम कार्यालय में समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों में ढिलाई न बरतने के निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम नायब सैनी घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा से 3 केंद्रीय मंत्री बनाए जाने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज तमाम विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों की बैठक की है। जिस तरीके से पीछे लोकसभा चुनाव थे तो कहीं ना कहीं विकास कार्यों पर रोक सी लग गई थी, दोबारा से पटरी पर किस तरीके से विकास कार्य आए सर, क्या क्या समस्याएं थी और क्या दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए? नहीं, समस्या नहीं थी, वही समस्या है, पानी है, बिजली है, रोड है, सड़क है, इनकी समस्याएं ऐसी थी लगातार की आचार संहिता के 3.5 महीने तक जो आचार संहिता रहे, कहीं टेंडर होने हैं, किसी का मुहूर्त होना, उन कामों को गति देने के लिए आज मीटिंग बुलाई। क्या स्टेटस है, कौन कौन से बैलेंस बाकी है, कौन कौन से तेज गति के साथ हम पूरा करना, उनकी स्पीड गति देने के लिए कौन कौन से मुख्य काम है सर? एक तो एलिवेटेड जो पुल बनना है, इसके अलावा सोहना पुल है। नहीं, हमारे 3 एक एलिवेटेड पुल है, एक बजेसर का है, एक अपना सोहना का है, दूसरे हमारे अपने हाईवेज का है, दूसरा पानी है, सड़क है, सीवर है। मुख्य काम सारे मेन काम है, उन सबके टेंडर ओपन होने, उन सबको करने के लिए। कब तक शुरू हो जाएगा? मैं जल्दी चालू कर देंगे, 5-7 दिन। सर लगातार लोगों को जिस तरीके से सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई पड़ी है पूरे शहर में, उसको लेकर क्या दिशा निर्देश? सफाई भी ध्यान रखे, पानी की व्यवस्था भी ध्यान रखे, सफाई और पानी दोनों साथ साथ। विकास कार्यों में तेजी लाने की बात कही जा रही है, तेजी लाए गति के साथ, जितने काम है, जो 90 दिन का हमने प्लान किया है उसमें हम काम करें, 90 दिन जल्दी करेंगे। सर लगातार जिस तरीके से अब सरकार का भी गठन हो गया केंद्र में भी, किस तरीके से देखते हैं मंत्री 3-3 मिले हरियाणा में? भाई किशन पाल जी के नेतृत्व में अपने प्रदेश के हमारे मंत्री बने हैं आदरणीय मनोहर लाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री रामेंद्र जी, सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद को 3-3 मंत्री हरियाणा बने। और जो विकास की गति रहनी है, हमारी मेट्रो बल्लौट से पलवल जानी है और फरीदाबाद से गुड़गांव जानी है, कहीं गाजियाबाद एक्सप्रेस है, कहीं जेवर एक्सप्रेस है, इन सबको गति देने का काम करेंगे, इन सबके साथ तेजी के साथ इन सब गति देंगे। तो तेजी के साथ जो विकास कार्य है उनका काम किया जाएगा और साथ ही लोगों को जल्द ही काफी राहत मिलेगी। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया।